शिल्पा जी यहाँ पे, शिल्पा जी यहाँ पे, अच्छे वाले डालना जरा इस तरफ आओ ना, ये फाइव पीछे से क्लियर, पीछे से क्लियर, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, पीछे से क्लियर, शिल्पा जी यहाँ पे, यहाँ पे शिल्पा जी आ गया है, प्रदीप बात देखा, शिल्पा जी यहाँ पे, शिल्पा जी यहाँ पे, शिल्पा जी यहाँ पे, अरे खड़ा बट वी कांट सी यू, गुड टू सी यू टू, अंधेरे में थोड़ी सी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने मिस किया है प्रीवियस सीजन का, और से क्या कुछ रिलीव कर रहे हैं? हाय, क्या क्या रिलीव कर रहे हैं, मतलब फिर से एक नया सीजन शुरू हो रहा है, कितना कुछ मिस किया, मतलब स्टेज, हमारे जजेस, हमारा पूरा परिवार, हमारे कोरियोग्राफर्स, हमारे हर साल के नए बच्चे, और कौन है, और सोचो, शिल्पा मैम, गीता माँ, और अनुराग दादा, और हमारी प्रोडक्शन टीम, और बहुत मजे, सारे हमारे कोरियोग्राफर्स, और हमारी जो बैक स्टेज की टीम है, जो हमारे प्रॉप वाले, सब बहुत ही इतने प्यारे, और कोई नहीं, इंश्योरेंस है आपका? बिल्कुल, मैं मारूं और मेरा मामा, और सबसे प्यारा मेरा मामा, मतलब आई थिंक सुपर डांसर की सबसे प्यारी देन है मामा भांजा हमारे, आई थिंक मेरे लिए बहुत कमाल का है, सो आई थिंक वी आर कमिंग बैक होम। हां, या इट्स लाइक कमिंग बैक टू होम। आप लोग लॉकडाउन के बाद जैसे एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, तो कितना बड़ा अजीब मुश्किल लग रहा होगा? हम लोगों के साथ भी सेम था, सब बॉम्बे में थे पर मिल नहीं पा रहा, सब मुंबई में थे पर कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था, तो वैसा ही लग रहा है, रीयूनियन लग रहा है। हाँ यार, रीयूनियन लग रहा है। इस बार डांस होगा। ओहो हो, पिछले कभी हमने डांस नहीं देखा, इस बार डांस होगा, और सच में इन्हीं की बात है कि पिछली बार जो आपने देखा है ना, उससे कमाल होगा, और धमाल होगा, और बेमिसाल होगा, और एकदम अपरंपार होगा, और पार शक्ति खुराना होगा। इतना क्यों चिल्ला रहे हो बे? कौन बोले लॉकडाउन में चुपके शादी कर, तुमने शादी कर ली? मैंने नहीं, मैं तो किसी लायक नहीं रहा, मेरे को तो मार दिया इन्होंने लॉकडाउन में। अरे दादा थे बे, दादा चिल्लाए, दादा अपने आवाज पतली कर ली है, देखिए। हाँ जी, ये जो मस्ती देखा ना आपने, ये कितना मिस कर रहे थे, ये मिस कर रहे थे। आपने कैमरा घुमाया होता तो आपको पीछे दिखते अनुराग बासु। ओके कोविड, सबसे पहले तो हमने वो कलश में चावल भरे और पैर रखे, तो बड़ा मजा आया, ना 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 ना। बड़ा अच्छा, आरती भी हमारी बहुत अच्छा लगा हमें पहले दिन से, और यार देखिए हमारे सारे सेट का माहौल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वजह से कम लोग हैं और सारी चीज़ें, माहौल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे पहले था, लेकिन परिवार वही है तो मज़ा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मज़ा आ जाएगा धीरे धीरे, हम लोग यूज्ड हो जाएंगे, हम लोग हैं बहुत बदमाश, सब ठीक हो जाता है। हाँ जी, और सुपर डांसर और वैक्सीन, दो चीज़ों का इंतजार कर रहा था पूरा देश, दोनों आ गया है, और दोनों लगेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, क्या बात बोल दी है ना, क्या बात, बताओ ये सब चल रहा है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के सवाल फिल्टर होके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मास्क। शायरी ये है कि
जमाना जाने कहाँ सो रहा है, जमाना जाने कहाँ सो रहा है, ये मीडिया है, ये एंकर है और यहाँ पाजी हो रहा है। ये हमारा पारी हो रहा है। पाजी। यार मजा आ रहा है। देखो सुनो, इस बार क्या है, ये सब है जो सन्नाटा है इसको चीरना जरूरी है ना। हाँ। क्योंकि बहुत हो गया ना, तब सब हुनर पे लॉकडाउन नहीं लग सकता है। I got goosebumps. हुनर पे लॉकडाउन नहीं लग सकता है, तो हुनर का लॉकडाउन तो कभी नहीं था ना, लोग अपने घर में एंटरटेन कर रहे थे, वो सब लोग सामने आएंगे। लोगों ने इस बार और तैयारी की होगी, घर पे सब रह रहे हैं तो, और इतनी तैयारी कैमरा के सामने कि हमने इस बार सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ऑडिशंस रखे हैं। तो डिजिटल ऑडिशंस जो हैं 25 तारीख को खत्म हो रहे हैं दोस्तों, 25 फरवरी तक लास्ट डेट है, 25 फरवरी लास्ट डेट है। प्लीज जितना भी हमारा हिंदुस्तान का सारा टैलेंट है, अपना अपना फोन उठाइए और अपने फोन को सामने रख के, जो आपने पूरे लॉकडाउन में किया, हम सब ने किया है, अपने फोन से बहुत बातें, उन फोन के सामने आइए और नाचिए, एंड देन सेंड इन योर एंट्रीज बिफोर द 25th ऑफ फेब, क्योंकि हमें इंतजार है दोस्तों हमारे प्यारे प्यारे सुपर डांसर्स का। बिल्कुल, और कितना आसान है इस बार की, आप एक इतने कदम दूर है, ये रहा मोबाइल, ये रहा आपका टैलेंट, इतनी दूरी पे है, कदम भी नहीं, हाथ यूं दूर है, यूं रहे और जो हाथ आप बढ़ा रहे हैं वो हम खींच के ला देंगे स्टेज तक। बस तो सोनी लिव ऐप पे जो है 25 फरवरी तक अपना लास्ट ऑडिशन भेज दीजिए, 25 फरवरी तक लास्ट डेट है, सोनी लिव ऐप पे अपना ऑडिशन भेजिए, वरना ये जो ऑडिशन की पारी है वो खत्म हो जाएगी। पारी तो खत्म नहीं हो सकती है, प्लीज भेज दो, 25 तारीख से पहले 25 लाख एंट्री जानी चाहिए। अरे और किताब जो है चर्चा में 2 दिन से ज्यादा है, क्योंकि ना प्रमोशन नहीं, किताब 2 दिन से ज्यादा चर्चा में है क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने वीडियो डाला, एक इन्होंने मेरी शायरी पढ़ी, तब से जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़कियों की ज्यादा आ रही है, इस उम्मीद में कि मैं ऋत्विक से बात करा दूंगा। मेरे को बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां फोन करती हैं, हाय, मैंने कहा बोलिए ऋत्विक का नंबर दे दो, मेरा वही इस्तेमाल है, चाय से मोहब्बत। सॉरी ये मजाक की बातें कर रहा होगा, मेरे को इसकी किताब से एक बहुत प्यारी सी बात याद आई, आई थिंक बिल्कुल याद है कि आई होप आई डू जस्टिस, यार भगवान करे कि मैंने वो पढ़ी थी 2 दिन पहले जब मैं इसके घर पे था, कि वो और मैं, या वो और हम था, जो वो और मैं एक साथ घंटों साथ बैठे रहे, खामोश बैठे रहते, वो और मैं एक साथ खामोश, वो और मैं एक साथ घंटों खामोश बैठे रहते, हम हमारे बीच बातों को नहीं आने देते। याद है भाई, इतनी प्यारी बात यार, इतना प्यारा, इसके अंदर ये मामा तो अलग है, इसके अंदर जो आशिक छुपा हुआ है ना वो जो ऋत्विक नहीं बोल पाते ना लोगों से, वो मैं बोलता हूँ किताब की आड़ में, वो सबके दिल की बात है। अच्छा लग रहा है, चाय से मोहब्बत को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ प्लीज, चाय को प्यार बहुत मिलता है अपने वहाँ, और गोरे रंग पे इतना गुरूर मत किया करो, मैंने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। उनसे रिश्ता दादा ने बनवाया, अनुराग सर की फिल्म लूडो में हम लोग साथ में काम कर रहे थे, तो वो बोले तेरा अलग सुर है, कुछ तो अच्छा करता है, तेरा है कुछ, तू घर आ। तो मैं घर गया, मैंने कहा कौन है भैया, कोई नहीं है, गया तो कोई नहीं था, ताला बंद था, मैं बाहर थोड़ी देर बैठा था। मजाक सिर्फ तुम ही करते हो क्या, हम भी करते हैं, तो वो बहुत मेरे को मानते हैं, सच में बहुत मानते हैं, उनका बड़प्पन है ऑन स्क्रीन, इतना रियल कोई कैसे रह सकता है, ये कमाल है, कमाल बहुत सच में। तो वो बहुत प्यार मिल रहा है, ऋत्विक धनजानी पढ़ रहे हैं कविता, पंकज रिलीज कर रहे हैं, हिट तो होना ही है। ओके, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे, लाइक फैन है हमारे भाई, हम मामा भांजा पूरी दुनिया से ये कहेंगे कि देखिए सुपर डांसर चैप्टर 4 आ चुका है वापस, 25 फरवरी हमारा आखिरी दिन है, जिस दिन आप अपने अपने ऑडिशंस और अपने अपने एंट्रीज है वो भेज सकते हैं हमें, प्लीज भेजिए, एंड लेट्स मेक सुपर डांसर चैप्टर 4 Never before. Chapter 4, never before. क्या बात है? लिख लो। जैसा ये आदमखोर, देखो मगर प्यार, जैसे ये आदमखोर, वैसे हम मिलके मचाएंगे शोर। शोर। वाह। सीजन 4. धोर। तारार उठूंगे। शिल्पा मैम, सबसे पहले आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही मैम, आप भी बहुत, नहीं नहीं उनके लिए ठीक है, नहीं वो लग रही है ब्यूटीफुल, बस उस पर बात खत्म कर दीजिए, नहीं आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो शी डजंट वांट टू टेक अ कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कहना चाहिए, आज शुरुआत हो चुकी है, आपने फोटो शूट भी किया है, कितना एक्साइटमेंट है नए सीजन के लिए?
बहुत बहुत उत्साहित हैं हम सभी, और आई थिंक 1.5 साल के बाद हम सभी साथ मिल रहे हैं. हाँ, हम मिले हैं. Honestly, I've never met, I've not met anyone only in the last one. I'm just बुलाती नहीं है. अच्छा. वरना मिल लेते. और दादा रहते नहीं हैं बॉम्बे में, हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन इस बार फिर लॉकडाउन की वजह से मिले नहीं. एक्साइटेड है बट हम बहुत एक्साइटेड है. कमाल का शो है, आप देखते आए हैं. ये हमारा 4th सीजन है एंड एज यूजुअल सोनी टीवी रियली स्काउट्स द बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री एंड हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं. मैम आप कितने आप 1.5 साल बाद आप मिल रहे हैं और साथ बहुत कितने एक्साइटमेंट है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस दौरान दादा ने बहुत दादा घूमे हैं, फिरे हैं, बहुत सारी चीज़ों का वो ब्रह्मांड कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं, अलग क्विजीन ट्राई कर चुके हैं, तो ये असर बच्चों पे क्या होगा हमको वो देखना है. और जितना असर जो है वो दिख रहा है और जितना वो घूमे हैं उतना ये लॉकडाउन में रही हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने अपने बेबी के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड किया है. सो हाउ इज़ इट नाउ गोइंग टू बी के मतलब वो लव प्यार वो शेयर करने वाली हैं. मेरा तो चलता रहता है. दादा आप कुछ बोलना चाहिए. कुछ नहीं, सुपर डांसर के परिवार को मिस कर रहा था. ये अवसर है क्योंकि परिवार बन चुका है, 3 सीजन हो गए सब, मतलब वही टीम है, वही लोग हैं. सो आज ऐसा रियूनियन जैसा हो रहा है, इतने दिनों बाद हमें मिल रहे हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, हर बार एंजॉय किए, इस बार और ज़्यादा एंजॉय. शिल्पा मैम, ऑडिशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इस साल का ऑडिशन किस तरह होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा, मतलब आप अलग अलग में जाएगी या ऑडिशन ऑनलाइन होगा, कुछ बताना चाहिए. जी, सो इस बार जो तरीका अपनाया गया है वो बहुत ही अलग है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. कोविड के बाद सब लोगों ने अपने तरीके जो हैं वो बदल दिया है. सो आई थिंक डिजिटल ऑडिशंस इज़ द वे फॉरवर्ड. और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, जो जानते हैं के इर्द गिर्द कोई टैलेंटेड बच्चा है, तो प्लीज़ आपके एंट्रीज 25th फेब तक प्लीज़ दर्ज करें. प्लीज़ स्पीक. क्या वो अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो तो. हाँ, और एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया क्योंकि अभी कोई भी आपको पंक्तियों में लाइनों में नहीं खड़ा होने पड़ेगा, आपको ट्रैवल करके शहर में नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं अर्जियाँ नहीं देनी पड़ेंगी, आप अपने घर से एंट्रीज भेज सकते हैं. और हम यहाँ पे और इतने हज़ारों के तादाद में आ रहे हैं अभी एंट्रीज लोगों के, तो मुझे तो उम्मीद है हमारा काम थोड़ा मुश्किल होगा चुनना, क्योंकि एंट्रीज बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन कुछ नए भी आएंगे, नए तरीके के आएंगे, अच्छे टैलेंट आएंगे. बिल्कुल. मैम, अगर हम बात करें कोविड सिचुएशन में क्या क्या आप लोगों ने किया, क्योंकि सभी घरों में थे, आप लोगों ने क्या क्या नया सीखा, क्या क्या किया आप लोगों ने? दादा आपने क्या किया कोविड लॉकडाउन के दौरान? मैं बर्तन झाड़ू पोछा जो सब ये सबने किया मैंने भी किया. आपने क्या किया? मैं बस बच्चों के साथ बहुत सारा वक्त बिताया मैंने. एंड मैं ऑनेस्टली ये सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें हम प्लान नहीं कर सकते. मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ तो मेरे घर तो नई बच्ची पैदा हुई, तो आई कुडंट हैव प्लान्ड इट बेटर. लेकिन ये कोविड का जो दौर है वो बहुत मुश्किल रहा है बहुतों के लिए, तो माई हार्ट गोज़ आउट टू देम. ऑनेस्टली ये तो मतलब मैंने जिंदगी में कभी, मैंने अगर कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता शायद मुझे, लेकिन जो मांगा था वो मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है. बट आई थिंक द वन थिंग दैट इज़ बीन इन कॉमन फॉर मोस्ट पीपल इज आई थिंक इट्स काइंड ऑफ डॉन्ड अपॉन अस सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन एक अलग लेवल पे ऑन ऑल ऑफ अस ऑन सम लेवल. आई थिंक वी जस्ट फॉर मेनी थिंग्स हमको ऐसे लग रहा है कि इस दौर में हमने बहुत कुछ रियलाइज़ किया कि फैमिली के टाइम जो वक्त बिताया है हम सभी ने, आई जस्ट फील दैट हैज़ बिकम नाउ अ प्रायोरिटी इन माई लाइफ. नहीं तो मतलब ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में भी और ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू यू नो अचीव समथिंग और द अदर, बट नाउ दैट थिंग हैज़ चेंज्ड. कुछ नया फॉर्मेट दिखेगा, कुछ अलग कुछ दिख पाएगा शो में? फॉर्मेट तो ऑलरेडी चेंज हो ही चुका है, जो हम ऑडिशंस कर ही रहे थे वैसे नाउ इज़ बिकम डिजिटल, तो वो फॉर्मेट तो वैसे ही चेंज हो गया. लेकिन जो DNA है शो का, जो एक्चुअल DNA है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वी गोना कीप इट लाइक दैट. हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि स्टाइल्स अलग आएंगे, बच्चों का हुनर हमें और निखर के देखने मिलेगा. सो दैट इज़ ऑलवेज देयर.
बट आई थिंक ये फॉर्मेट लोगों को वैसे ही पसंद आया है, तो उसको चेंज करके कोई मतलब नहीं है. जो कमाल है उसे चेंज क्यों करना. हाँ, एक चीज़ बदल जाएगी आई थिंक हमारे लिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स विल बी अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड बच्चों के लिए भी, तो उसको हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते. दैट डेफिनेटली विल बी इम्पॉर्टेंट. शिल्पा, में हाल ही में आप सिद्धिविनायक गए थे और आप अपने डॉटर के साथ गए थे, काफ़ी पिक्चर वायरल हुआ, लोग सोशल मीडिया में जैसे ही आपकी डॉटर का पिक्चर आया काफ़ी वायरल हुआ. कुछ कहना चाहिए आप, लोग काफ़ी सराह रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे. यानी हमें आई थिंक या बहुतों में ऐसा होता है कि 40वें दिन पे हम बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके जाते हैं, पहली बार मंदिर लेके जाते हैं. हमें वो मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि एक साल की हो रही है मेरी बेटी, मैं चाह रही थी कि सिद्धिविनायक में ले जाऊं. एंड ऑन दैट डे ओनली फॉर्चुनेटली इट वाज आल्सो गणपति जयंती. तो बट वी ऑब्वियसली टुक अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स बिफोर टेकिंग. हाँ, मैं बहुत सुबह सुबह गई थी. बट थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार मिला मेरी बेटी के लिए, इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले. थैंक यू सो मच आपके माध्यम द्वारा. मैं सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ. आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए. बोलिए आप सर, आप बोलिए सर. आप फिल्म भी आपने कुछ शूट किया था तो कुछ बता सकते हो. मैं तो कुछ नहीं, या तो मैं तो काम ढूंढ रहा था. इनकी फिल्म रिलीज हो गई. सेम दादा, सेम सेम लूडो. मैं काम को बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत पसंद आया लोगों को. हाँ, बस वो उसके बाद से ढूंढ रहा हूँ काम. ये अच्छा हो गया, मिल गया, नहीं तो मैं बेकार होता. बताओ हो गया. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. मास्क पहने रखे.